मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ होता है। इस दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक जॉर्डन नाम की एक लेडी को देखते हैं, जिसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अंधेरी जगह पर पाती है, जहां पर उसे किसी लेडी की चीख सुनाई दे रही थी। इसलिए वो उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है तो उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम ग्रैंट होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि ग्रैंट ने ही उन लोगों को यहाँ पर किडनैप किया है। लेकिन ग्रैंट बताता है कि मैं अपने घर पर टीवी देख रहा था, फिर जब मेरी नींद खुली तो मैं यहाँ पर था, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर जब ग्रैंट और जॉर्डन दोनों आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें वो लेडी मिलती है जो चीख रही थी। इस दौरान हमें पता चलता है कि उसका नाम ऐना है। तभी वहाँ पर उन्हें एक और आदमी दिखाई देता है जिसका नाम लूक होता है। हालांकि पहले तो वो ग्रैंट पर अटैक कर देता है क्योंकि वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल से बाहर होता है, लेकिन ग्रैंट उसे समझाता है कि हम सब यहाँ पर कैद हैं, इसलिए हमें एक दूसरे पर अटैक करने से अच्छा यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एलेक्स नाम का एक और आदमी भी मौजूद है जो कि काफी डरावना होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। इस दौरान उन सब पर वो आदमी नजर रख रहा होता है जिसने उन्हें किडनैप किया था। फिर वो वहाँ पर लाइट ऑन कर देता है जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को एक दरवाजा मिलता है जिसे वो खोल कर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक ऐसी जगह पर है जो बाहर से कुएं जैसी दिखती है। फिर वहाँ पर उन्हें पानी के चार टैंक रखे हुए दिखते हैं। ये सब चीजें देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सब यहीं पर मरने वाले हैं। इसके बाद लूक उस पानी में थूक कर उसे खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही ग्रैंट उसे पकड़ लेता है। फिर जॉर्डन और एना उसे समझाती है कि हमें इस पानी की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद हमें तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूक पीने के लिए दिए गए बर्तन की हेल्प से छोटे से दरवाजे पर लगे हुए ईंट को निकालने के लिए उसे स्क्रैच कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि दूसरी तरफ से बाहर जाने का रास्ता है। हालांकि ये चीज वहाँ पर मौजूद लोगों को नामुमकिन लगती है कि एक बर्तन के हेल्प से दीवार को तोड़ा जा सकता है। फिर वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं जिससे ये पता कर सके कि उन सबको यहाँ पर क्यों इकट्ठा किया गया है। इसके बाद वो सब अपने बारे में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं तो ऐना बताते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता था। हालांकि उसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे उसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से ऐना ने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ही बुरी तरह से चाकू से अटैक करके मार दिया। फिर ग्रैंट अपने बारे में बताता है कि उसकी वाइफ को कैंसर था जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए वो चाहती थी कि उसे मार दिया जाए, जिसे ग्रैंट ने उसे मजबूरन मार दिया, लेकिन उसे जेल हो गई और वो अपनी बेटी से भी दूर हो गया। ये सुनकर जॉर्डन कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर वही लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी का मर्डर किया है। फिर वो लोग से पूछते हैं कि तुमने किसी का मर्डर किया है तो वो बताता है कि वो एक चोर था और उसने एक लेडी से पैसे छीनने की कोशिश की, लेकिन उस लेडी ने पैसे देने से मना कर दिया जिसकी वजह से लूक ने उसे मार दिया। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में किसी का भी मर्डर नहीं किया, इसलिए मुझे होस्टेज आने वाले से गलती हुई है क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वो खुद को छोड़ने के लिए चिल्लाने लगता है। फिर हमें चौथे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स पानी पीने जाता है तो वहाँ पर उसे एक चाकू दिखाई देता है जो कि काफी अलग था, जिससे वो काफी हैरान होता है और बाकी लोगों को इस बारे में बताता है। फिर जब जॉर्डन उस चाकू को चेक करती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उस चाकू के साथ साथ उसमें एक नॉट भी लगा हुआ होता है जिस पर लिखा होता है कि कोई भी इंसान बिना खाने के 30 दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो घड़ी लगी हुई है वो दिनों की काउंटिंग दिखा रही है। इसके बाद जॉर्डन बताती है कि ये चाकू स्किन टिश्यूज और मसल को काटने के लिए बनाया गया है, खासकर इंसानों के मसल्स को। फिर हम देखते हैं कि जिस आदमी ने उन्हें होस्टेज बनाकर रखा है उसने उन सब पर काफी रिसर्च की है और वहाँ पर उन सभी को किसी मकसद से कैद कर रखा है। इसके बाद जब ग्रैंट उस चाकू को लेने की कोशिश करता है तो लूक उस पर अटैक कर देता है, जिससे ग्रैंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे धमकी देता है। तभी वहाँ पर उन्हें म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है जो कि ऊपर से आ रही थी, इसलिए वो सभी लोग वहाँ से निकलने के लिए हेल्प मांगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, जिससे बाहर मौजूद कपल उन्हें सुन लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों उन लोगों की कोई हेल्प कर पाते, वहाँ पर उन लोगों को होस्टेज बनाने वाला आदमी आ जाता है जो उस कपल पर किसी इंजेक्शन से अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर किडनैपर उन्हें गाड़ी में डालकर बांध देता है और गाड़ी को धक्का देकर नदी में गिरा देता है, जिससे वो दोनों भी बहुत ही बुरी तरह से मारे जाते हैं। फिर हमें पांचवें दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऐना जॉर्डन से पूछते हैं कि एक इंसान में भूख से कैसे बदलाव होते हैं। हालांकि पहले तो जॉर्डन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर मरने वाले नहीं है, लेकिन फिर वो बताते हैं कि करीब एक हफ्ते के बाद धीरे धीरे शरीर पूरी तरह से वीकनेस की वजह से कमजोर हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है।
फिर भूख की वजह से हम कोई भी ऐसी चीज ढूंढने लगते हैं जिसे हम खा सके। इसके बाद तीसरी स्टेज में हमारे शरीर से प्रोटीन बहुत ज्यादा कम हो जाता है जिससे हमारे बॉडी पार्ट्स सिकुड़ने लगते हैं और करीब 15 दिन के बाद हमारी बॉडी धीरे धीरे पूरी तरह से कैनिबल में बदलने लगती है। इसके बाद हमें फिर से उसी गाड़ी को दिखाया जाता है जिसका मूवी की शुरुआत में एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि कई हफ्तों के बाद पुलिस ने उस गाड़ी को ढूंढ लिया लेकिन बाहर ना निकल पाने की वजह से उस बच्चे ने अपनी माँ के बॉडी पार्ट्स को ही बहुत ही बुरी तरह से खा लिया था। ये देखकर पुलिस ऑफिसर्स काफी हैरान होते हैं। इसके बाद हमें 17वें दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंट ने उस ईंट को निकाल लिया था। फिर वो सब लोगों को इसके बारे में बताता है जिसके बाद वो सब मिलकर बची हुई ईंटों को भी तोड़ देते हैं जिससे वो लोग बाहर निकल सके। लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं बल्कि एक छोटा सा रूम है जहाँ पर डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो पहले इंसान नहीं है जिनके साथ ये सब हो रहा है। ये सब देखकर ग्रैंट पूरी तरह से टूट जाता है लेकिन जॉर्डन उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है। तभी जॉर्डन को पता चलता है कि ग्रैंट बीमार है और उसे हार्ट की प्रॉब्लम है जो मेडिसिन ना मिलने की वजह से बढ़ रही है। फिर हमें 20वें दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू के पास एना पहुँचती है और बताती है कि एलेक्स को कुछ इम्पोर्टेंट बात पता चली है। फिर जब सब लोग सो जाते हैं तो लूक जॉर्डन पर अटैक कर देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ग्रैंट वैसे भी मरने वाला है लेकिन तब तक ग्रैंट की भी आंख खुल जाती है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। हालांकि इस दौरान लूक उस पर भारी पड़ता है तभी एलेक्स लूक पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद जॉर्डन लूक को मारने वाली होती है लेकिन ग्रैंट उसे ऐसा करने से रोक लेता है। इसके बाद हमें 22वें दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर सब लोगों ने मिलकर लूक को बांध दिया था इसलिए जब उसे होश आता है तो वो खुद को खोलने के लिए चिल्लाने लगता है लेकिन जॉर्डन उसे खोलने से साफ मना कर देती है और कहती है कि अगर तुमने फिर से ग्रैंट पर अटैक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जिस पर वो कहता है कि मैं बाकी लोगों की तरह यहाँ पर नहीं मरना चाहता और वैसे भी ग्रैंट मरने ही वाला है। तो जॉर्डन कहती है कि क्या तुम सरवाइव करने के लिए एक दूसरे की जान ले लोगे क्योंकि यही वह चाहता है जिन्होंने हमें यहाँ पर कैद किया है। लेकिन वो कहता है कि मैं सरवाइव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह यहाँ पर मरना नहीं चाहता। तो जॉर्डन उसे धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हारा गला काटकर तुम्हें बहुत ही बेरहमी से मार दूंगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एना ग्रैंट के लिए पानी लाती है। इस दौरान लूक लगातार बड़बड़ा रहा होता है कि वैसे भी ये मरने वाला है इसलिए सब लोग इसे मारकर खा जाओ लेकिन जॉर्डन ऐसा करने से साफ मना कर देती है। फिर हमें 24वें दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर एलेक्स जॉर्डन पर अटैक कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद एलेक्स और एना मिलकर ग्रैंट पर अटैक कर देते हैं और उसे मारकर बुरी तरह से खाने लगते हैं। इसके बाद हम 25वें दिन का सीन देखते हैं जहां पर उन लोगों ने जॉर्डन को भी बांध दिया था। फिर जब लूक उसके पास पहुंचता है तो वो कहते हैं कि तुम लोग पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुके हो लेकिन लूक कहता है कि तुम अपनी इंसानियत अपने पास रखो हम मॉन्स्टर बनकर भी सरवाइव करना चाहते हैं। जिसके बाद 27वें दिन एना जॉर्डन के पास पानी लेकर पहुंचती है तो जॉर्डन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों तुम्हें भी मार देंगे क्योंकि ये तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एना बताते हैं कि मैंने ही लूक और एलेक्स को कन्वेंस करके ग्रैंट पर अटैक करने के लिए कहा। हालांकि एलेक्स को इस बात के लिए कन्वेंस करना काफी कठिन था लेकिन लूक तो मेरी बात तुरंत मान गया इसलिए तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब मैं ही कर रही हूँ। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि एलेक्स पूरी तरह से पागल हो चुका है इसलिए वो चाहता है कि उसे एना का मांस खाने को मिले। हालांकि लूक उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम एक ही साइड है और हमारे पास खाने के लिए अभी भी जॉर्डन बची हुई है लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और एना पर अटैक कर देता है जिससे लूक चाकू से उसकी गर्दन पर अटैक करके उसे भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है। फिर हम 29वें दिन को देखते हैं कि जब सब लोग सो रहे होते हैं तो जॉर्डन चुपचाप उठती है और लूक के पास से चाकू ले लेती है। तभी लूक की नींद खुल जाती है जिससे जॉर्डन उस रूम की तरफ भागती है जहां पर पानी रखा हुआ था। हालांकि लूक उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके ऊपर चाकू से अटैक कर देती है और रूम के कंट्रोल सिस्टम को खराब करके खुद को उस रूम में बंद कर लेती है। फिर जब 30 दिन पूरे हो जाते हैं तो लूक और एना को लगता है कि अब उन्हें छोड़ दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने पूरे 30 दिन तक सर्वाइव कर लिया है इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिससे वो पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। अब उनके पास खाने के लिए एलेक्स तो था लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था इसलिए अगले दिन एना जॉर्डन के पास पहुंचती है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कन्वेंस करने लगती है और कहती है कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं मारी जाऊंगी। तो जॉर्डन उसे पूछती है कि क्या तुम अकेली हो तो वो इस चीज के लिए हाँ करती है। लेकिन जब जॉर्डन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि लूक भी वहीं पर मौजूद है जिससे वो दरवाजा खोलने से इनकार कर देती है। फिर अगले दिन जब लूक एलेक्स को नोच नोच कर खा रहा होता है
तो वो देखता है कि ऐना उसे घूर रही है, इसलिए वो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है, जिससे लूक उसका गला दबाकर उसे भी मार देता है। तभी वहाँ पर जॉर्डन भी आ जाती है, जो लूक के कुछ समझने से पहले ही उसके गले पर चाकू से वार कर देती है। फिर जॉर्डन कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, यही ना कि मैं इन्हें खाऊं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे हो। जिससे ये बात कन्फर्म हो जाती है कि मूवी की शुरुआत में एक्सीडेंट की वजह से जो लड़का गाड़ी में फंसा हुआ था वह कोई और नहीं बल्कि वो किडनैपर ही था, और क्योंकि उसने अपनी ही माँ को खा लिया था, इसलिए उसे लगता है कि हर इंसान भूख में फंसे हुए होने पर दूसरे इंसान को खा जाएगा, इसलिए वो ये चीज प्रूव करना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे ही 36 दिन निकल जाते हैं, लेकिन जॉर्डन बिना कुछ खाए वैसे ही पड़ी रहती हैं। ये देखकर वो किडनैपर मजबूरन उस तहखाने में पहुंचता है, क्योंकि उसे देखना था कि जॉर्डन ने टैंक के ढक्कन में क्या लिख कर रखा है। फिर जब वो चेक करता है तो उसमें लिखा होता है कि जल्द ही मैं सूरज की रोशनी देखूंगी। तभी जॉर्डन अपने पास मौजूद हड्डी से उस किडनैपर के सीने पर अटैक कर देती है और कहती है कि मैं जीत गई। जिसके बाद वो कमजोर होने के बावजूद भी हिम्मत करके किसी तरह से तहखाने से बाहर निकलती है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वो सूरज की रोशनी जरूर देखेगी। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नई दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।